हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार हुआ लाल निशान में बंद। निफ्टी में दिखी लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रही गिरावट, लेकिन निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते किया निफ्टी 50 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन। डेट फंड निवेशकों के लिए भी टैक्स का झटका। 1 अप्रैल से डेट फंड्स में नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा। टैक्स स्लैब के हिसाब से देना होगा टैक्स। लोकसभा में फाइनेंस बिल पास कराने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा सरकार नई पेंशन स्कीम का जल्द करेगी रिव्यू। फाइनेंस सेक्रेटरी की अगुवाई में बनाई जाएगी कमेटी। ओल्ड पेंशन स्कीम किसी सूरत में नहीं होगी लागू। सूत्रों के हवाले से खबर। पेंशन मसले पर विचार के लिए सरकार बनाएगी कमेटी। एनपीएस को भी आकर्षक बनाने की तैयारी। सैमसंग कंपनी ने भारत में सैमसंग गैलेक्सी F14 5G स्मार्टफोन किया लॉन्च। F सीरीज के इस स्मार्टफोन में कंपनी ने 13 बैंड 5G सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी। इस स्मार्टफोन की कीमत 13,000 रुपए से शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता हुई खत्म। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद की गई कार्रवाई। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा मोदी सरकार बदले की भावना से कर रही है राजनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा अगर इस तरह कानूनी कार्रवाई हुई तो बीजेपी के कई नेताओं की चली जाएगी सदस्यता। दिल्ली सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। पीएम मोदी को बताया अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। लोकसभा में आज हुआ जमकर हंगामा। 27 मार्च तक के लिए कार्यवाही स्थगित। संसद से विजय चौक तक विपक्ष ने निकाला मार्च। राहुल गांधी के समर्थन में उतरा विपक्ष। लोकतंत्र खतरे में है का लगाया नारा। विश्व टीबी समिट की वाराणसी में हुई शुरुआत। पीएम मोदी, सीएम योगी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया रहे मौजूद। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने की कई परियोजनाओं की शुरुआत। 1,780 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की दी सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में टीबी मुक्त भारत पर दिया जोर। कहा टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का रखा लक्ष्य। बोले टीबी हारेगा दुनिया जीतेगी। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। वाराणसी में विकास कार्यों से संबंधित जानकारी हासिल की। सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर बोला हमला। वाराणसी में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग विदेश में देश का नाम बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। करनी की सजा तो मिलेगी ही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तंज। कहा राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी। जेपी नड्डा ने कहा राहुल ने ओबीसी समाज का किया है अपमान। राहुल को मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला, कहा बदनाम करने की राजनीति कर रहे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के तंज पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार, कहा लालू यादव के घर पर ईडी सीबीआई ने छापा मारा, क्या वो ओबीसी नहीं है। राहुल के खिलाफ हुआ ओबीसी मोर्चा, 6 से 14 अप्रैल तक पूरे देश में चलाएगा अभियान। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल ने विदेश में झूठ बोला, भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो राहुल की मानसिकता। मंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। संसद अपने खिलाफ टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करेगी कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी की हंसी पर कसा था तंज। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 5 अप्रैल को मामले पर होगी सुनवाई। मुंबई में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर जताया प्रदर्शन। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ पटना में महागठबंधन विधायकों का प्रदर्शन, सप्तमूर्ति से विधानसभा तक निकाला मार्च। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बिना चर्चा के बजट को मंजूरी देकर गलत संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगलुरु दौरा, ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी समिट में हुए शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने बीएस येदुरप्पा के घर किया नाश्ता, कई अहम चुनावी मुद्दों पर की चर्चा। कर्नाटक के मंत्री नारायण गौड़ा ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने की थी चर्चा। अमृतपाल के आनंदपुर खालसा फौज की तस्वीरें आई सामने, हथियार के साथ दिख रहे हैं अमृतपाल के साथी। अमृतपाल के नशा मुक्ति केंद्र पर बड़ा खुलासा, केंद्र में दी जा रही थी हथियारों की ट्रेनिंग, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की रची गई साजिश। उत्तराखंड में तेज हुई अमृतपाल की तलाश, काशीपुर में लोकल पुलिस ने किया अनाउंसमेंट। घर से गायब है अमृतपाल का पासपोर्ट, पुलिस ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भेजा लुकआउट सर्कुलर का रिमाइंडर। अमृतपाल का नया वीडियो आया सामने, प्रलप्रीत सिंह के साथ भागता दिख रहा है अमृतपाल। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने भारी मात्रा में जब्त किया हथियार, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराया गया था। ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला, कहा चुनाव आते ही ईवीएम पर रोना शुरू कर देता है विपक्ष। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने दिया एक और बड़ा बयान, कहा सिर्फ हिंदुओं के नहीं सबके हैं भगवान राम। फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम के बहाने बीजेपी पर किया हमला, कहा बीजेपी को राम से नहीं सत्ता से है प्यार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की नई टीम पर बीजेपी आला कमान की मुहर, जल्द होगा नई टीम का ऐलान।
योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर भजन गायक कन्हैया मित्तल ने जारी किया नया गाना। गाने में उत्तर प्रदेश के गौरव और विकास का उल्लेख। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल का मुद्दा। मैंने शुरू किया था अस्पताल का काम, योगी सरकार ने अब तक नहीं किया पूरा। हैदराबाद में ऑनलाइन डेटा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। करीब 17 करोड़ नागरिकों का डेटा चोरी करने का आरोप। विशाखापट्टनम में G20 सम्मेलन को लेकर जोरों पर तैयारी। जागरूकता के लिए नाव की सवारी और पतंग महोत्सव का आयोजन। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, एक परीक्षा फीस पर अब सभी एग्जाम में बैठ सकेंगे प्रतियोगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने चावल उत्पादक किसानों को दी बड़ी राहत, करीब 20 क्विंटल धान खरीदेगी राज्य सरकार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट ईरानी गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बरामद। बीते 24 घंटे में देश भर में सामने आए कोविड के 1249 मामले, एक्टिव मामलों की संख्या 7927 पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान, 8 राज्यों में मिले कोविड के सबसे ज्यादा मामले। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट अजय बंगा कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी से होनी थी मुलाकात। मदुरै में बेमौसम बारिश से बढ़ी परेशानी, कई जगह सड़कों पर लगा पानी। बेमौसम हुई बारिश से भोपाल में बीमार हो रहे हैं लोग, अस्पतालों में लगी मरीजों की भीड़। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां दुर्गा के तीसरे रूप की हुई पूजा। अर्जेंटीना में फ्रेंडली फुटबॉल मैच के टिकट को लेकर हंगामा, विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और पनामा के बीच हो रहा था मैच। फिल्म निर्देशक प्रदीप सरकार का निधन, 67 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फिल्म परिणीता मर्दानी के डायरेक्टर थे प्रदीप। वॉशिंगटन में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के दौरान हंगामा, एक पाकिस्तानी ने किया हंगामा, सुरक्षा कर्मियों ने निकाला बाहर। घाटी में बदलते हालात पर हो रही थी चर्चा, कश्मीर अशांति से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण, अमेरिका दक्षिण कोरिया के जवाब में मिसाइल टेस्ट, राष्ट्रपति किम जोंग ने लाइव टेस्ट देखा। UNHRC की बैठक में चीन ने दिखाई हेकड़ी, उइगर एक्टिविस्ट को बोलने से रोका, शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन पर हो रही थी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे कनाडा, माइग्रेशन समेत 2 अहम मुद्दों पर होंगे समझौते। अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, कोलोराडो में पेरेंट्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। अमेरिका के वित्त मंत्री ने बैंकिंग सिस्टम को बताया मजबूत, कहा बैंकों पर नहीं है वित्तीय खतरा।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान का कहर, लैंडस्लाइड से आवाजाही में मुश्किलें, सड़कें साफ कर रही है प्रशासन।